जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज आई मैं दौड़ के गया खिड़की के पास ताकि हेलीकॉप्टर देख पाऊं। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात भर क्या खतरनाक बारिश हुई यार, एकदम जबरदस्त। एक टाइम के बाद तो मुझे ठंडा लगने लग गया था, मुझे उठ के फैन बंद करना पड़ा, उसके बाद मैं सो पाया। इतनी बारिश थी, लगता है इतना बारिश होते होते साला विंटर टाइम से पहले ही आ जाएगा। लेकिन अच्छा है, विंटर मुझे पसंद भी है, तो जितना जल्दी आ जाए और जितना देर तक रहे उतना अच्छा ही है। कल तो इतना बारिश था फिर भी मैं जिम चला गया था, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिम स्किप कर दूँ, क्योंकि ये देखो पहले एक बार नज़र मारो वो जहाँ पे सब चल रहे हैं, बाइक जा रहा है, स्कूटी, देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ है। तो कल यहाँ पे ज़रा भी पानी नहीं था, ये जो रोड सामने दिख रहा है मेरे घर से, यहाँ पे ज़रा भी पानी नहीं था, तब मेरे जिम के पास कितना पानी भर गया था तुम लोगों ने देखा कल के वीडियो में। तो आज अगर अभी यहाँ पे इतना पानी हो गया है तो सोचो जिम के पास कितना ही पानी हो गया होगा। तो फालतू में आज मैं जिम जाकर रिस्क नहीं लेने वाला, पानी में गड्ढे वगैरह समझ में नहीं आते, बेकार में गिर विर जाऊँगा और चोट लग गया तो फिर पता नहीं 10-15 दिन का जिम बंद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक दिन नहीं जाते हैं जिम, पानी थोड़ा निकल जाएगा, पानी कम हो जाएगा, उसके बाद कल से फिर से जाएंगे, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहेगा। मैं वर्कआउट से ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देता हूँ, और अभी तो हेल्दी यही है कि हाथ पैर सलामत रहे, इसलिए चुपचाप घर में बैठेंगे। तुम भी चुपचाप घर में बैठो अगर बाहर पानी भरा हुआ तो, बेकार में बाहर जाओगे फिसल के गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, नॉट हेल्दी एट ऑल। बड़े चाहे कितने भी हो जाओ, मेच्योर कितने भी हो जाओ, लेकिन जब ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है तो हम दौड़ के देखने जरूर जाते हैं, आंखें ऊपर जरूर जाती है। अभी जस्ट एक हेलीकॉप्टर गुजरा ऊपर से, मैं यहाँ बैठ के आराम से बेड पर फोन यूज कर रहा था, जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज आई मैं दौड़ के गया खिड़की के पास ताकि हेलीकॉप्टर देख पाऊं। ये इमेच्योरिटी कब जाएगा। मैंने जिम ना जाके बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है उसका घर उधर जिम के तरफ ही है, उससे थोड़ा और आगे पड़ेगा, वो उधर ही पानी में साइकिल लेकर गिर गया है। अब उसको काफी चोट लगी है, उससे बात हुई मेरी अभी तो, उसको घुटने में काफी चोट लग गई है, उसका साइकिल फिसला था वो गिरा है तो घुटने में उसके काफी चोट लगी है। अब वो देखकर मुझे ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं जिम नहीं गया, क्या पता मैं भी जाता मैं भी गिरता, एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाता। हाँ, कभी कभी ना जाना भी अच्छा चीज़ होता है, हमेशा हर चीज़ को ज़बरदस्ती पुश करके करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ा सिट बैक करना, रिलैक्स करना भी अच्छा होता है, समझे। जब बाहर इतनी बारिश हो रही हो तो एक ही चीज सबसे अच्छा होता है, वो है अभी मैं मस्त 2-3 घंटा सो लिया, अब जाते हैं कुछ खाने को लेकर आते हैं, और साथ में ये भी देख लेंगे कि पानी का क्या हाल है, कुछ कम हुआ है या वैसे ही है या फिर और ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलो चलते हैं, कुछ खाने का इंतज़ाम भी कर लेंगे और ये पानी का भी देख लेंगे, तब तो कल से बाहर जा पाएंगे ना। अगर पता रहेगा कि बाहर पानी कम हो गया है तो कल से कॉन्फिडेंटली बाहर निकलेंगे, नहीं तो कल इसी तरह पूरा दिन घर में बैठना पड़ेगा, आज कोई काम नहीं हुआ, नथिंग, पूरा दिन सो के निकल गया। लेकिन एक बात तो है, दोपहर में सोने का एक अलग ही वाइब आता है, अलग ही मज़ा आता है। अगर दोपहर को तुम्हारी नींद अच्छी हो जाए तो उसका बात ही अलग है, लेकिन अगर नींद अच्छी ना हो तो फिर हेडेक होता है। लेकिन आज मेरा नींद बहुत अच्छा था, मेरे को हेडेक बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। चलो घर के पास तो पानी अभी भी भरा है, यहाँ तो कुछ कम नहीं हुआ है, चलो बाहर देखते हैं। अब पानी भरा तो है अभी भी, लेकिन कल से कम है, लग रहा है कल तक और कम हो जाएगा, फिर कल से बाहर निकला जा सकता है। ये सही है,
रही है। थोड़ी देर के लिए बाहर आया और बारिश ही शुरू हो गया, बाहर आते ही फंस गया। अजीब है यार, देख लो हालत। थोड़ी देर के लिए बाहर गया, भीग के वापस आया। मैं जब बाहर निकला तो बारिश का नामो निशान नहीं था, एक बूंद भी पानी नहीं पड़ रहा था। जैसे ही मैं बाहर गया, जाके मैंने थोड़ा सा शूट किया, भले ही बाहर जाके मैं भीग गया, लेकिन खाने का सामान मैं लेके आया हूँ, तो अभी जाके उसको बनाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। I'm trying to build it up. I wish I could make you stop. Cause baby I love you. Guess I'm gonna dance up.